2024 में कौन बनने जा रहा है नंबर वन। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। हाँ, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि 2024 में कौन बनने जा रहा है नंबर वन, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या कोई और। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूँ, 2024 में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का बहुत सारा गाना आप सभी के बीच रिलीज हुआ है, जिसमें से खेसारी लाल यादव का दो गाना 100 मिलियन वाला क्लब में शामिल हो गया है। पहला गाने का नाम है एगो बात बताई और दूसरा गाने का नाम है टेंगे टेंगे। और खेसारी लाल यादव का ये दोनों गाना 100 मिलियन वाला क्लब में शामिल हो गया है, यानी 100 मिलियन प्लस इस गाने पे व्यूज मिल चुका है। वही बात की जाए पवन सिंह के बारे में, तो पवन सिंह का दो गाना 50 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर गया है। पहला गाने का नाम है टुकुलिया ए राजा, दूसरे गाने का नाम है पिया छोड़ दी ना, ये दोनों गाना 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है यूट्यूब पे। एक और गाना है पवन सिंह का जो कि बहुत जल्द 50 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला है, जिस गाने का नाम है सड़िया बुलुकिया। ये गाना लेटेस्ट में बहुत ही अच्छा चल रहा है और आने वाला 10-15 दिन में पवन सिंह का ये गाना 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर जाएगा। हाँ, तो दोस्तों खेसारी लाल यादव का दो गाना 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है, वहीं पवन सिंह का तीन गाना 50 मिलियन व्यूज क्रॉस कर गया है। हाँ, तो दोस्तों देखा जाए तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव का ये मामला टक्कर का हो गया है। बाकी 2024 का फाइनल रिजल्ट लेकर आप सभी के बीच आऊंगा दिसंबर महीने में, आगे कुछ भी हो सकता है और देखा जाएगा किसका कितना गाना रिलीज हुआ है, उसमें से कितना गाना हिट हुआ है। ये तो फाइनल रिजल्ट दिसंबर में लेकर आऊंगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है 2024 का बादशाह कौन बनेगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।